तो ये सभी शोर की शुरुआत होती है नाना नानी से जो कि अपने देश में वापस लौट चुके थे और आराम से बैठे हुए थे तभी पीछे से महारानी के मम्मी पापा आते हैं महारानी का जो पापा है वो पूछते भी कि ससु जी सासुमा जी यार हमारी बेटी वो तो आपके साथ ही यहाँ पर थी ना क्या हुआ यार वो वापस नहीं आई खाली आप लोग यहाँ पे आ गए तो नाना बताते कि अच्छा वो क्या वो तो दमाद जी मतलब दमाद जी के साथ ना कहीं घूमने के लिए यहाँ पे गई है आने में टाइम लगेगा तो भाभी भी कहते क्या यार देश की महारानी यहाँ पर थी देश का काम वो संभालती थी यार वो यहाँ पे नहीं है तो देश का काम कौन संभालेगा तो नाना कहता आप संभालिए यार ने राजा आप थे आपके बाद आपकी बेटी को पोजीशन मिली थी तो आप राजा बनी और आप ही संभालिए ये ये भी कहते क्या मुझे वापस से राजा बन के पूरा देश का काम संभालना पड़ेगा यार तो पीछे से जो माँ थी भाई बीबी वो भी गुस्सा करती हो कहती हाँ तो ऐसा रिएक्शन क्या दे रहे हो भाई यार आपकी बेटी को सपोर्ट करना है बेटी को सपोर्ट करने के लिए इतना भी नहीं करोगे ये भी कहते कि ना ना इतना तो करूँगा मनी मन सोचता यार राजा का काम मैं बहुत पहले करता था बीस पच्चीस या तीस साल पहले अब मैंने छोड़ दिया बहुत ही काम होता था मुझे मज़ा नहीं आता था वापस से काम करना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं भाई थोड़ा तो कर ही लेता हूँ तो जाता है काम करते हुए बैठ जाता है तीन दिन हो जाता है हो काम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ था पूरा दिमाग दे कि भाई तीन दिनों

यार अब मीटिंग भी करना पड़ेगा क्यों ऊपर वाले उठा ले यार मुझे ऐसा टॉर्चर करने सचा हाँ तो मीटिंग भी ना डेमन मरानी के बाप के साथ ही मिलके करना था तो सामने से ये जो थी ना भाई मिनिस्टर और सब लोग वो भी देखते भाव हमेशा जब मीटिंग होता था दोनों महारानियाँ करती थी आज महारानियाँ नहीं है आज महारानियों के जो अब्बा जाने वो लोग बैठे हुए हैं गजब तो अपने जो डेमन महारानी का बाप है ना वो भी ऐसा कहता है कि भेल क्या करे भाई मेरी बेटी उसने भी अपना काम मुझे यहाँ पर दे दिया तो अपने महारानी के बाप सोचते मेरी बेटी तो भाई बाहर यहाँ पे गई है इसलिए ना चाह मुझे काम यहाँ पर करना पड़ रहा है इसकी बेटी यहीं पर है तो भी इसको काम दे दिया यानी देखा जाए तो मेरी बेटी ज्यादा ठीक है आई अंडरस्टैंड भाई आई अंडरस्टैंड चलो भाई जो काम मिला ये पूरा यहाँ पे करते आते हैं डेमोर की और जहाँ पे डेमोन मनानी कहती है कि अरे यार अब्बा जान मुझे हमेशा चिल्लाते रहते भाई कैसी महारानी है क्या महारानी बनेगी देश बर्बाद कर देगी तुझसे तो ये काम नहीं होता तो मैंने बोला आप कर लो हाँ तो मैंने बोला आप कर लो और दे दिया मैंने काम उनको और गुस्सा आ गया वो मुझे माँ बहन की गालियाँ यहाँ पे देने लगे उनको मालूम भी है क्या भाई अपनी बहन को मतलब मेरी माँ मेरी बहन को गाली देना यानी अपनी बेटी और अपनी बीवी को गाली देने के बराबर है कोई बात नहीं चलो

समझ रहे हो ना ध्यान उनका रखना यह भी कहती जाहिर सी बात है भाई ध्यान रखूंगी उनका लेकिन डेवोन मरानी को अभी भी जलन हो रही थी ये भी कहती है यार गलत बात है यह गलत बात है यह गलत बात है मुझे दो बार मौका मिलना चाहिए जो सुन अपनी महारानी कहती है कि दो बार मौका चलो ये जब मुझे अगली बार मिलेगा ना मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे एक्सचेंज कर लूंगी तो ये भी कहती है बहुत ही बढ़िया और ये जो थोड़ी आखिरी वाली बात थी ना ये डबल मौका वाला ये थोड़ी गंदी बात यहाँ पे थी यानी समझ भी रहे हो नहीं समझ रहे हो ना लेकिन थी गंदी बात तो सामने से छुटकी नहीं समझ पाती वो भी कहती क्या वो यार पहली वाली मम्मी कहती साथ को क्या बात कर रहे थे क्या डबल मौका ये भी कहते हैं कि नहीं कंपटीशन में जाएंगे तो मैं दो बंदों को मारूंगी हम लोग ये बात कर रहे थे तो ये भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या ड्रैगन मारानी जो कि सारी बातें समझ रही थी वो चिकन का पीस खाई जा रही है और कहते गुड ओके ठीक है समझ गई तुमने अच्छा समझाया इसको अब आते वापस से स्पेस की और यहाँ पे दोनों जा रहे थे तो जाते जाते वही देखती है टी की और क्या अच्छा यार तो सो रहे हैं और कब से सोए जा रहे हैं उनको लगता है सोना कुछ ज्यादा ही पसंद है और तभी खिड़की से ध्यान जाता है खिड़की के बाहर ना एक एरिया था जिसको फोरविडन एरिया कहा जाता है काफी डेंजरस एरिया है लोग आने से डरते हैं मैंने मुझे इसके बारे में बताया था लेकिन एक सेकंड जहाँ था कि हमको याद है वो जो साइकिल क्लैन का मेम्बर है ना वो हमको अपने प्लानिट पर लेके जा रहा है तो यहाँ पर कहीं को लेकर आया कहीं ऐसा तो नहीं उसका प्लानट यहीं पर है या वो कुछ गड़बड़ करना चाहता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है अब सची में गड़बड़ या फिर सची में प्लेनेट यहीं पर है वो अगले एपिसोड में मालूम चलेगा तो मिलते किसी और वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय